ये देखिए दोस्तों, हमारा ना जो एक बच्चा था ना पहले का, वो यार मर गया। पता क्यों मरा? क्योंकि ना इसकी फीडिंग सही से नहीं हो पा रही है। देखिए ये, इसके एक दाना भी निकल गया। देखिए इसकी फीडिंग सही से नहीं हो पा रही है। पता नहीं वापस वोमिट कर देता है। ये देखिए, और बाकियों की फीड देखिए, बाकी कितने हेल्थी। ये वाला एक एक ही बच्चा है। एक तो इसका कौवा ले गया उठा के साथ ही, और ये वाला तो बहुत एक्टिव है। ये देखिए मारने की कोशिश करता है फुल इसका। देखिए जबकि ये और ये एक ही दिन साथ में हुए थे, और ये 4 दिन बड़ा है इनसे। ये देखिए ये भी बिल्कुल फिट है, एकदम हेल्दी है। और इसका देखिए, इसको यार थोड़ा सा हैंड फिट करा देता हूँ मैं, क्योंकि ये फीड इसको सही से कराते नहीं। ये देखिए इसके गले में अटक रहा है अभी भी। तो इस बच्चे को ना हमने हैंड फीड करा दिए, थोड़े से चने दे दिए और थोड़ा सा पानी पिला दिया हमने, क्योंकि ना उसके गले में फंस रहा था। तो पहले पानी पिला दिया, थोड़े चने डाल दिए। परसों है ना मैंने देखा वो बच्चा ना मरा वेला ऐसी हालत में, उसके भी गले में अटक गया। क्योंकि ना ये कबूतर ना फीड अच्छे से नहीं कराते। और हमारे बाकी दो बच्चे देखे कबूतरों के, ये कितनी अच्छी फीड कराते हैं। और ये देखिए इसके साथ ही हुआ था, कितना बढ़िया है ये। तो यार ये देखिए दोस्तों, ये वाला कितना एक्टिव है। इसके परों में भी देखिए, पैरों में भी, यहाँ तक भी पर है। ये देखिए, और इसके पर पता नहीं कैसे पहले भी से है मेरी। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये वाला। ये देखिए इसका भर रहा है, इसका पेट भरा हुआ है। ये देखिए फुल एक्टिव है। ये वाला तो बिल्कुल सोया हुआ रहता है, जब भी देखता हूँ ये सोया हुआ मिलता है मेरे को। अभी देखिए अभी शांति से बैठा है फिलहाल। हम बाकी सारे ये घूम रहे। बजीज मैंने फिलहाल वहाँ रख दिए बाहर, क्योंकि है ना मैंने यहाँ पूरे में सफाई करी थी। क्योंकि और दोस्तों हमारा जो एक ब्लैक कबूतर है ना, इसने अपने सारे पर उखाड़ लिए। देखिए अपना अभी कितने छोटे पर हो गए इसके। ये देखिए इसके पर देखिए साइड के कितने छोटे छोटे पर हैं। इसने सारे पर उखाड़ लिए अपने, और ये सारे के सारे इधर उधर घूम रहे हैं। ये देखिए अब बजीज फिलहाल मैंने उधर छाए में रख रखे हैं, तो बजीज को भी थोड़ा सूखने देते हैं, उसके बाद मैं इनको अंदर रख दूँगा। और खरगोश रह गया। खरगोश को यार आज हम नहलाएंगे, काफ़ी गंदे हो गए छोटे वाले खरगोश, तो वो एक बार भी नहीं नहाए अब तक, तो उनको आज नहलाते हैं और उसके बाद इनको थोड़ी घास ला के डालते हैं। दोस्तों यार अभी ना मैंने खरगोश तो नहला दिया फिलहाल, उनको मैंने खाट पर बिठा दिया। तो यार ज़मीन पे मैंने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि अभी ना वो गंदे हो जाएंगे, फिर दोबारा नहलाना पड़ेगा, तो फिर फायदा नहीं नहला के। तो इसलिए मैंने उन्हें खाट पर छोड़ दिया फिलहाल धूप में। अब जब तक सूखेगा ही नहीं, जब तक मैं उनको नीचे उतारूंगा नहीं। और कबूतर भी क्या, कबूतर का दड़बा भी सूख चुका है, तो सारे मैंने बजीज भी अंदर कर दिए, तो कबूतर सारे अंदर हो चुके। ये देखिए दोस्तों सारे के सारे अंदर आ चुके हैं। ये थोड़ा सा बस पोर्शन रह गया सूखने के लिए, और ये भी सारे आ चुके हैं। बजीज भी मैंने अंदर रख दिए बैठे हैं, इनका भी सूख चुका है। इनको भी दाना पानी मैंने डाल दिया, और सारे बैठे हुए अंदर। देखिए और यार हमारे देखिए एक गुलाब का भी उग रहा है फिर से पहले की तरह। ये देखिए ये उगने लग रहा है फिर से गुलाब का। ये मतलब ये पौधा बच गया, और एक और बच गया वो मैंने अलग रख दिया। अरे देखिए ब्लैक वाला बच्चे, ये छोटे वाले, ये इस कबूतर के जो ऊपर बैठे हैं ना, ये देखिए ये इसके बच्चे हैं, ये नीचे घूम रहे हैं। ये देखिए वो आराम से अकेला बैठा हुआ। तो दोस्तों मैंने ना अभी है ना खरगोश को घास ला के डाल दिया, अभी अभी लेके आया था। देखिए तो ये घास मैंने कुछ डाल रखी है अंदर, ये देखिए खा रहे हैं। तो दोस्तों यार मैं ना घास लेके आया, और मैंने ना कुछ घास तो खरगोश को डाल दी, कुछ बजीज को डाल दी। तो बजीज को दिखाता हूँ, बजीज भी घास खा रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने सोचा था अगर ये खाते हैं दोबारा अच्छे से तो मैं इनको डालूंगा, तो इन्होंने लास्ट टाइम जो डाली थी ना, तो इन्होंने अच्छे से खा ली थी, तो मैंने आपको दोबारा डाल दी। तो दिखाता हूँ आपको,
यार जो कबूतर का बीच वाला बच्चा है ना, ये पता नहीं इसके पर कैसे ये ऐसे फैले हुए रहते हैं, और जब भी देखता हूँ ना दोनों साइड इसके पर ऐसे फैले हुए रहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ना बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। तो यार ये थोड़ा सा अलग है, मतलब मुझे लगा था लास्ट टाइम कि इसके पर वर टूट गए, मतलब बाजू टूट गई, पर ये ऐसी है इसके पर। तो बड़ा होता है फिर देखते हैं यार इसके पर कैसे लटके हुए रहते हैं नीचे की तरफ या ऊपर पूंछ के ऊपर रहते हैं, क्योंकि कुछ कबूतर के पर है ना पूंछ के नीचे रहते हैं और कुछ के ऊपर, ज़्यादातर के ऊपर की रहते हैं। तो दोस्तों हमारी जो ना एक कबूतरी का ना नीचे वाला जाके एक बच्चा फिलहाल मर गया, तो वो यार 2 दिन पहले मिला था। तो बाकी 3 बच्चे बचे बस, अब तीनों बिल्कुल ठीक है। फिर नीचे वाली है ना कबूतरी अच्छे से फीड नहीं कराती, मैंने अभी चेक किया, फिलहाल इससे गले में ना अटक गया था, अच्छे से फीड नहीं कराती, तो उनको रोटी नहीं डालूंगा नीचे वालों को, क्योंकि मैंने देखा था वो फीड अच्छे से नहीं कराते, ऊपर वाले बहुत अच्छे से कराते हैं, जबकि वो दोनों साथ में पैदा हुए थे, जो नीचे वाले को ऊपर एकदम वो। और ये थी बस दोस्तों बस मेरी आज की वीडियो, और मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।